एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील करते हैं। इस अपील का असर भी हुआ है कि देश के तमाम लोगों ने गैस सिलेंडर और दूसरी अन्य सरकारी योजनाओं की सब्सिडी छोड़ दी, लेकिन दूसरी तरफ उनके सांसद ही उनकी अपील को मुंह चिढ़ा रहे हैं। दरअसल एनडीए सरकार में शामिल अपना दल के सांसद और उनकी पत्नी द्वारा किसान सम्मान निधि दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोनभद्र से अपना दल के सांसद पकौड़ी को उनकी पत्नी पन्ना देवी और मिर्जापुर के 96 विधानसभा से विधायक राहुल प्रकाश कौल का रजिस्ट्रेशन किसान सम्मान निधि पोर्टल पर 21 अगस्त 2019 को कराया गया था। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए अपनी पहचान छिपा ली गई थी। पहले किसान निधि के खाते में सरकार द्वारा धन भेजने के लिए अकाउंट मोड का इस्तेमाल किया जाता था और अब यह आधार मोड से जाता है। पकौड़ी कॉल और उनकी पत्नी का आधार पोर्टल पर लिंक होने के कारण उनके खाते में सम्मान निधि की 9 किस्त गई, जबकि राहुल कॉल का आधार अपडेट नहीं होने के कारण उनके खाते में निधि का पैसा नहीं गया। सरकार द्वारा बार बार इस बात की घोषणा की जा रही है कि जो अपात्र है वे किसी भी दशा में इस निधि का दुरुपयोग कर लाभ ना उठाएं, पर माननीय द्वारा अपने और अपनी पत्नी का नाम सूची से नहीं हटाया गया। अब ये पूरा मामला प्रकाश में आते ही जिले में हड़कंप मच गया है। वॉलपेपर उप कृषि निदेशक का कहना है कि विधायक के खाते में सम्मान निधि का एक भी रुपया नहीं गया है। सांसद और उनकी पत्नी के खाते की जांच कराकर अगर उनके द्वारा रुपया लिया गया है तो इसकी रिकवरी कराई जाएगी। देखिए, वस्तुस्थिति ये है कि माननीय विधायक राहुल प्रकाश जी हैं, उनका तो नहीं जा रहा है और सांसद महोदय का जो है जांच हम लोग करा ले रहे हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी तो जो इसकी वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। जो लिस्ट दी गई है उसमें नाम है, उसमें इसमें एक चीज़ है कि उनका आधार एक्टिव न होने के कारण अगर आधार एक्टिव हुआ होता तो फिर उनका साथ चला जाता। नहीं, हाँ, ये हम लोग सत्यापन भोले का अंकन का इस समय सत्यापन चल रहा है, सारे तहसीलों के मार्फत लेखपालों के द्वारा कराया जा रहा है, तो उसमें अगर अपात्र कोई इस तरह के आते हैं तो उनका किया जाएगा। और जो विधायक जी का, इसमें इनका कहीं भी कोई किस्त नहीं गई हुई है। अच्छा, ये सांसद जी का 9 किस्त जारी होने का जो तहसील में गया है कागज, उसमें 9 किस्त जारी होना दिखाया जा रहा है, क्या 9 किस्त जारी हुए हैं? ये जांच करने के बाद ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी आधार नंबर मेरे पास नहीं है। जब नंबर आ जाएगा तो उसके बाद हम आपको बता देंगे। तो अभी अगर मान लीजिए निकलता है उनका, फिर क्या करना है? अगर निकलता है तो उनको नियमानुसार जो पैसा है वो जमा करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि अगर पैसा नहीं गया है तो जांच क्यों होगी, और अगर पोर्टल पर है तो जांच का बहाना क्यों? मिर्जापुर से सपनेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।